सो अब हम देखेंगे कि कुछ चीजें चार्ज क्या होता है। बोलिए बोलिए चार्ज। वन कूलम, वन एम्पियर, चार्ज बताइए। आप लोग वहां बैठ जाओ या पेन दे दो, फेंक के दे दो, बात मत करो प्लीज। वन एम्पियर बताओ तुम दे, उसको तो बता देते अभी, फिर क्या कर रहे थे? तो कहीं लेते लेते रहो, बाहर जाके ले लो दोनों लोग। हाँ बोलो बताइए। अभिषेक इलेक्ट्रिक करें सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। अगर कहीं से चार्ज फ्लो कर जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक करें इलेक्ट्रिक करंट बताओ। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पूछे आप, करंट बोल रहे हैं तो किसी को प्रश्न हो जाए। इलेक्ट्रिक करंट मनीष वन एम्पियर चार्ज इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी एक का नंबर आपका जुड़ गया है उसमें क्या जुड़ा? दो का नहीं जुड़ा, एक का नहीं जुड़ा, दो लोग का तो जुड़ गया। ठीक है, दो लोग ही आए ना आप लोग, तो आप लोग का शायद जुड़ गया है ना। बताइए चार्ज क्या है? वन एम्पियर ध्रुवांशी देन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वन एम्पियर। इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट करंट कैन पास इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एमीटर सेल अ डिवाइस विच ऑफर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पे ज्यादा चार्ज देती है, एक पे कम, या एक पे पॉजिटिव, तो डिफरेंस हो गया पोटेंशियल का कि नहीं? अ डिवाइस विच ऑफर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेल। ठीक है, रजिस्टर अ डिवाइस या अ कंडक्टर विच हिंडर्स फ्लो ऑफ चार्ज, जो आवेश के परिचालन में बाधा उत्पन्न करे उसको प्रतिरोध कहते हैं। व्हाट इज रेजिस्टर? रेजिस्टर बताइए दिव्यांगी, बोलो रेजिस्टर। बता नहीं पाते, मन में सोच है कमजोर है।
अच्छा ठीक है, 1 एम्पियर the amount from which a given the amount of charge from which in a given cost. ये तो पिछले क्लास में पढ़ाया था, अब ये क्यों नहीं बता पा रही? 1 कूलम विजिटर्स लॉन्ज में बैठी हो क्या? दर्शक दीर्घा में कि ये देखने आई हो कि सब लोग पढ़ रहे हैं कि पढ़ने आई हो? बोलो 1 एम्पियर then electric current flowing through that cross sectional area. That electric current flowing in that cross sectional area is called 1 ampere. Is 1 ampere. ठीक है, 1 कूलम बताइए. If 6.25 into 10 to the power 18 excess electrons are there, then it is minus 1 coulomb charge. Okay. Now let us define some definitions. तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज क्या होता है. It is fundamental property. Fundamental property of matter like mass. It is denoted by Q. Denoted by Q. And its unit is, इसकी unit क्या है? Coulomb. इसकी unit है coulomb. The minimum negative charge is bear by electron and minimum positive charge is bear by proton. The minimum negative charge किसके पास होता है? Is bear by electron. और उस पर कितना charge होता है? That is -1.6. ठीक बताइए, -19 coulomb. And minimum positive charge is bear by proton plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. इतनी बात समझ में आ गई? तो पहली चीज मैंने चार्ज डिफाइन किया, दूसरी चीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख लीजिए. सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? दैट इज ऑफ चार्ज. चार्ज कैन एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज. मान लीजिए इसमें n इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन है? n. तो इसमें होने वाला चार्ज कितना होगा? सो q इज इक्वल्स टू n E, where n is integer. So ये integer हो गया. So integral multiply of charge. Charge can exist as integral. Integer है ना, integral multiple of minimum amount of charge. Charge can be bear by a body. कहीं पर भी, चाहे दुनिया में लोगों की संख्या हो, वो 3.5 नहीं हो सकती, आधा कटा हुआ आदमी नहीं हो सकता है, वो इंटीजर के रूप में होगा. एक आदमी, दो आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी. वैसे ही चार्ज किस रूप में होगा? जो मिनिमम चार्ज है उसके मल्टीपल के तौर पर होगा. अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो डबल कर दीजिए, 3 है तो ट्रिपल कर दीजिए. हाफ इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता. तो इसलिए चार्ज कैन बी बियर्ड बाई अ बॉडी एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज. दैट इज क्वांटाइजेशन. हाँ बोलो. यही है क्वांटाइजेशन, यानी पैकेटाइजेशन. पैकेट में मिलेगा चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ तो इतना चार्ज. जैसे दूध पैकेट मिलता है,
500 ml, अगर तुम कहो कि 400 ml दे दो, पैकेट काट के आधा दे दो, तो देगा तुमको दूध वाला? कहेगा एक पैकेट ले जाओ, दो ले जाओ, दस ले जाओ, हाफ नहीं दे सकता, हम ब्लेड से काट के दूध नहीं बांटते हैं। तो इस तरीके से क्वांटाइजेशन का मतलब है पैकेटाइजेशन में चार्ज पैकेट के तौर पर मिलेगा, और मिनिमम पैकेट कितने का है? इतने का। तो क्वांटा का मतलब पैकेट होता है। व्हाट डज इट मीन बाय क्वांटा? दैट इज क्वांटा पैकेट। अब नेक्स्ट देखिए, दैट इज 1 कूलम। सो थर्ड डेफिनेशन है 1 कूलम। 1 कूलम कितना होता है? सो क्यू इज इक्वल टू एनी, ठीक है। देखो इन लोगों को छोड़ के नहीं चल सकते। मान लो इन्होंने कहा कि सर फिर से खेल खेलो पिछला वाला 2 घंटे का, तो मुझे खेलना पड़ेगा ना। अब मान लो फिर आज नहीं पढ़ेंगे, फिर अगले सर फिर से खेला जाए, तो फिर से खेला, आपने पढ़ लिया है, लेकिन इनका क्या करें, ये तो 1 कूलम नहीं बता पा रही। तो अब जरा देखो, तो 1 कूलम है, दैट इज एन इंटू -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है कि नहीं? क्या मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा कर दो, किसी पे प्रोटॉन एक्सेस है, तो अब बताओ कितनी संख्या होगी अगर 1 कूलम हो। सो यही फार्मूला लगा रहा हूँ, टोटल चार्ज इस बॉडी पे कितना है बताओ, अगर मान लिया जाए 1 कूलम है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 कूलम को डिवाइडेड बाई, ये बुक का क्वेश्चन भी है, और -19। तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिखा है क्योंकि हमें संख्या से मतलब है, तो नाउ इससे डिवाइड कर दो। तो अब जरा देखो, कूलम से कूलम कटा और ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 × 16 × 10⁻¹⁹, ये ऊपर चला गया, और 10 × 16 जरा 16 से 10 में करो डिवाइड, तो 0.0 लग गया, 16 × 6 = 96, और 40 × 16 = 32, और फिर 80 16 × 5 = 80, तो 0.625 × 10⁻¹⁹। यदि n की वैल्यू सुप्रिया इतनी है तो 6.25 इंटू क्या लिखा जाए, 10⁻¹⁸। हाँ, सो यहाँ पर n इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। सो द चार्ज बियर्ड बाई 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, पूरे दुनिया में 8 अरब व्यक्ति हैं 10⁻¹⁹, और ये 10⁻¹⁸ है, कितने जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कितनी धरती ऐसी हो, 10⁻¹⁹ ऐसी धरती हो, उतने इलेक्ट्रॉन हो, तब जाके उनमें 1 कूलम चार्ज होगा। सो द चार्ज बियर्ड बाई, एन की वैल्यू आ गई कि नहीं, द चार्ज बियर्ड बाई दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 कूलम ऑफ निगेटिव चार्ज, बस निगेटिव लगा देना। हाँ, या इतने इलेक्ट्रॉन मिलके जितना चार्ज बियर करें, हम ये क्यों कहें कि किसी बॉडी में हो, कहते हैं इतने इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज बियर करते हैं वही 1 कूलम्ब का निगेटिव चार्ज है। और बात समझ में आई? देखो, द चार्ज बियर्ड बाय 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन इज 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब आगे देखो, व्हाट डज इट मीन बाय सेल? सेल क्या होता है? दैट इज अ केमिकल डिवाइस है कुछ विच, ठीक है। सो क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, या क्रिएट भी ना करें वो मेंटेन करती है, क्या करेगी, मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक जो सेल होगा, जैसे हमने पिछली बार भी बताया था, कोई सेल होगा जिंक और किसका सेल ले लिया था, कॉपर का, ऐसा लिया था कि नहीं, जिंक और कॉपर ही था, डेनियल सेल, मतलब गैल्वानिक सेल का एक विशेष टाइप है डेनियल सेल। तो जिंक कौन सा इलेक्ट्रोड था, बोलो,
मतलब वो निगेटिव इलेक्ट्रोड था और कॉपर कैसा था, ये बात था कि नहीं कॉपर सल्फेट में, तो ये एक सेल हो गया। तो ऐसे इसमें भी कुछ सोल्यूशन है, वो हम आगे बता देंगे क्या है, क्योंकि चैप्टर के जैसे आगे जाएंगे तब इसकी पूछ होगी कि इसके अंदर क्या है। लेकिन आप ये समझ लें कि अगर इसमें कोई एक बल्ब लगा दिया जाए, जैसे अभी लगाया है, तो वो इसके एक एंड पे हमेशा माइनस रखेगा और एक एंड पे क्या रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलेंगे और वहां जाते जाएंगे लगातार, ये मेंटेन करता। व्हाट इज सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उन दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस रखे, तभी तो चार्ज चलेंगे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, एनी टू पॉइंट, समझ में आ गई। सो ये तो हो गया सेल, it is denoted by this, ये एक सेल, समझ में आ गई बात। वॉट इज बैटरी, बहुत अच्छी बात कही। मान लीजिए सेल हमने देख लिया कि अगर मान लो एक ऐसे है और यहां पर ऐसे मेंटेन कर लिया जाए, तो क्या पानी यहां से ऐसे बहेगा, तो ये एक सेल है। सेल का मतलब है कि कहीं ना कहीं से फ्लो ऑफ चार्ज करवा दे। और अगर मैं इसी तरीके से, ये एक सेल है, अब उसके साथ मैं एक दूसरा सेल भी लगा लूं और उसके साथ क्या लगा दूं, तीसरा सेल, और सभी दो दो वोल्ट के हैं, कितने वोल्ट के हैं, कॉपर और जिंक वाला 2 वोल्ट, मान लीजिए जैसे ये 1.08 वोल्ट का होता, कुछ भी हो 2 वोल्ट हमने ले लिए, तो तीन लगा दिए, तो अब ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसे समझो। तो बताओ ये जो सबसे निचला पॉइंट है और सबसे ऊपर का पॉइंट, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट। व्हेन ए ग्रुप ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन ए डेफिनेट पैटर्न, उल्टा नहीं कनेक्ट कर सकते, नहीं तो एक दूसरे को काट देंगे, बात समझ आएगी कि नहीं, जिंक के बाद कॉपर, फिर जिंक के बाद कॉपर, ऐसे ही कनेक्ट होंगे, जैसे भी कनेक्ट हो, सेल तो कनेक्ट करने के लिए आपको बस बैटरी उसमें टॉर्च में डालना होता है, प्लस के साथ माइनस, जब डालते हो ना तो कैसे कनेक्ट करते हो, एक सेल ऐसे होता है किसी अगर टॉर्च, तो दूसरा ऐसे डालते हो कि नहीं, तो ये डेफिनेट पैटर्न है, इसको प्लस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो प्लस को हमेशा माइनस से कनेक्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से जब बहुत सारे सेल कनेक्ट करोगे, अगर ये 2 वोल्ट और 2 वोल्ट का है, वैसे जो बाजार में सेल आता है ये 1.5 वोल्ट का होता है, और कई ऐसे खिलौने होते हैं जो 4 सेलों से चलते हैं, तो वो फिर 1.5 के 4 हो गए तो कितने हो गए, 6 वोल्ट हो गया। सो उसमें एक ऐसा निकला रहेगा प्रोट्रूशन, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें लिखा भी रहेगा, ये प्लस लिखा है, और जहां पर ऐसे फ्लैट है वो निगेटिव टर्मिनल होगा। तो इस तरीके से व्हाट इज बैटरी, ईशान, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन डेफिनेट पैटर्न, मतलब उनको उल्टा नहीं लगाना है, कि प्लस को प्लस से नहीं भिड़ा देना, सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड बैटरी एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। अगर मान लो आपको ऐसे डिनोट करना है, तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कितने लगाना चाहते, तो क्या लिखते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, कनेक्टेड इन डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड बैटरी। तो मान लीजिए ये 2 वोल्ट के हैं, अब तो ये बैटरी कहलाई जाएगी, तो बैटरी का ये सिंबल हो गया, और 2 वोल्ट के 10 सेल्स हैं, तो क्या फायदा, आप मुझे ये बता पाएंगे कि इसका टोटल वोल्टेज कितना हो गया, दैट इज 20 वोल्ट, क्योंकि 2 × 10 कर दो तो ऐसा हो गया। अब जरा देखें, तो हमने देख लिया बैटरी क्या होती है, अब देखो रेजिस्टर क्या चीज हो सकती है, फ्लो ऑफ चार्ज, मान लीजिए कोई एक वायर ही है, तो वायर दैट इज रेजिस्टर, ये इसमें 2 एंड है,
इसको खोल के मैं वायर लगा दूं तो ये बिल्कुल लाल हो जाए, जैसे बल्ब लाल हुआ था, तो ये हिंड्रेंस करेगा। तो ये दोनों तरफ से ये पिन है और ये कुछ रजिस्टर है, 10 ओम का हमें मालूम नहीं, 10 ओम क्या है, आगे चल के देखो, फिर पीछे दे दो, तो ये कुछ भी हो सकता है, हो सकता है टंगस्टन का रजिस्टर हो, W टंगस्टन, ठीक है, तो W भी हो सकता है। आप देख लीजिए 6th ग्रुप में W पड़ रहा है। सो रजिस्टर क्या है बोलो, अ कंडक्टर विच हिंडर्स या रजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आप सिंपली रजिस्ट भी लिखेंगे तो लिटरल मीनिंग तो निकलता है, रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, उसको क्या कहेंगे, रजिस्टर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज देखिए, नाउ कंडक्टर, सो एनी सब्सटेंस थ्रू विच चार्जेस कैन पास फ्रीली या इजिली, ठीक है, विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी रुकावट के easily पास कर सके, उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, वो गर्म नहीं होते हैं, ये बहुत देर से लगा है, चल भी रहा है, इसको छुओगे तो हाथ जलेगा नहीं क्योंकि उस तार में कुछ नहीं है। हाँ, बल्ब को छू लोगे तो जल जाएगा, वहाँ रजिस्टर है क्योंकि वो हिंडेंस कर रहा है, वो उन इलेक्ट्रॉनों से झगड़ा कर रहा है, तो फिर हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं। तो इस तरीके से कंडक्टर क्या है, एनी सब्सटेंस विच अलाउज फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, विदाउट एनी हिंडेंस, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, अलाउज फ्लो ऑफ चार्ज, इजिली लिख लें आप, इज कॉल्ड कंडक्टर। कौन कौन से कंडक्टर हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर, मेटल्स कंडक्टर होते हैं, कुछ बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, हाँ, ग्रेफाइट भी है, वो जिस नंबर पे आता हो यही पहले दूसरे नंबर पे आते हैं। अब आगे देखें, सो दिस इज कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट डज इट मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक लगे अर्पिता, देखो इन केस ऑफ कंडक्टर्स, एग्जांपल मेटल भी हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, इन केस ऑफ कंडक्टर्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द मेटल, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो सोडियम में एक है, वो वहां बंधा नहीं है, वो घूम रहा है, उसको घूमने की इजाजत है, तभी तो किसी क्लोरीन के साथ करने पे वो सब उसमें चले जाते हैं, एक एक अंदर से थोड़ी आके जाएगा, वो तो घूम रहे हैं, सब चले गए, मैग्नीशियम उससे ज्यादा चमकता है, मैग्नीशियम है और इसीलिए जल्दी रिएक्ट कर जाता है, एमजीओ तुरंत बना देता है, सोडियम भी जल्दी रिएक्ट कर जाता है, काटते ही फिर से काला पड़ जाता है, नहीं क्या लिखे हैं, इन केस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रेंडमली मूविंग थ्रू आउट द कंडक्टर। सो मेटल में क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग थ्रू आउट कंडक्टर में, वो मूव करते रहते हैं द कंडक्टर, और दीज आर कॉल्ड, ठीक है, हाउएवर ऑन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यदि सेल लगा दिया जाए, मान लीजिए ये सोडियम का टुकड़ा है, अब मैं कहूँ इसको कि जरा कि ऐसा डिवाइस लगा दो जिसमें एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो, तो एक एंड पे पॉजिटिव हो जाएगा और एक एंड पे माइनस, तो ये जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे zigzag manner में, क्या वे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाएंगे, यश तुम क्या ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं कि लोअर पोटेंशियल की ओर,
ये इलेक्ट्रॉन है, सो दे इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग, प्लस को हायर पोटेंशियल कहा जाता है ये. सो हाउएवर ऑन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ कुलदेव विच डिवाइस कैन अप्लाई या मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. फिर क्या तुम आधे घंटे से पढ़ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं समझ पाए, बोलो सर. सो हाउ एवर डिवाइस है, इसी ने तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था सर, अभी दिखाया था, उसी ने डिफरेंस क्रिएट किया था, तभी तो चार्जेस चले थे, तभी तो बत्ती जली थी. सो क्या लिखे बताओ, हाउ एवर ऑन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन इट्स टू एंड्स, बिटवीन इट्स टू एंड्स, अगर इसके दोनों एंड्स पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग, सृष्टि इस सेंटेंस को पूरा करो, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अब तुम बात गलत कर रहे हो, बस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग टू हायर पोटेंशियल, अब लोअर कहां से आ गया, कुछ करना ही नहीं है, वे किधर मूव कर जाते हैं बताओ, हुआ कि नहीं. इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, ये चीज है. इसकी वजह से क्या होगा, दिस कंस्टिट्यूट्स करंट, इसकी वजह से करंट हो जाएगा कि नहीं. सो हमारा है फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन. नाउ इतनी डेफिनेशन करके लिखा हो, जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखने का ट्राई करना, शॉर्टकट नहीं करना, इतना जरूरी है समझने के लिए. इतना समझ में आया पीयूष आपको, बिल्कुल ऐसे लिख के दिखाओ, बोलो मीटर इज अ डिवाइस विच बात नहीं करो, बात ना करिए. अ मीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स device which measures electric current in a circuit. It is denoted by ऐसा होगा, एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल एंड निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल ऑफ बैटरी. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल का मतलब है कि जिसमें प्लस होता है पॉजिटिव चार्ज, सर अभी तो दो पोलैरिटी होती हैं, एंड इसका निगेटिव टर्मिनल किसकी ओर होगा, टर्मिनल ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल ऑफ, ठीक है सर, जरा ध्यान दें कि दिस इज एमीटर, और अगर मैंने इसको सेल से कनेक्ट किया है तो यहां पर कोई रजिस्टर होगा और फिर एक की होगी ऐसा, तो इसमें
ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव, तो हमेशा जो करंट होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी और नेगेटिव तरफ जाएगी। करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी, इधर जाएगी, तो प्लस की तरफ ही हमें इसे कनेक्ट करना है और माइनस ये हो गया। समझ में आ गया? ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। नाउ भूमित, व्हाट इज की? की से आप क्या समझते हो? अ डिवाइस विच अलाउज और डिस अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। द डिवाइस विच allows electric current in electric circuit, ठीक है? So that is key. So if key is closed, then current passes through it. If key is open, then current does not. ठीक है? So if key is closed, closed का मतलब है इसका ये सिंबल है, then current, ये दो तरीके की होती है, एक ऑन ऑफ हो सकती है और एक पुश बटन। So if key is closed, then current passes through circuit and if key is open then no current passes through circuit. And it is said that circuit is open. अगर key open है तो क्या कहा जाएगा? मान लीजिए ये अगर मैं ऐसे कर दूं तो अभी से क्या कहा जाएगा? Current pass नहीं हो रहा। तो अब मुझे इसमें क्या क्या amendment और करने पड़ेंगे? बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा ये हटा दो पहले, जैसा दुआन से भाई उन्होंने amendment की बात कही ना, तो इस circuit open है, ये क्या है? Circuit open, और ये key क्या है? ओपन। और दूसरी चीज क्या बताई? दिस इज, अभी की क्लोज है तो मुझे क्या अमेंडमेंट करने पड़ेंगे? ये एरो लगाना पड़ेगा, ये आई लिखना पड़ेगा, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां भी प्लस माइनस। तो आपसे पूछा जाएगा सर्किट डायग्राम ऑफ ए क्लोज्ड सर्किट एंड सर्किट डायग्राम ऑफ एन ओपन सर्किट। तो ऐसी स्थिति में आपको इसे आर लिखना होगा और इसे के से डिनोट करना होगा। समझ आई बात कि नहीं? सो ये क्लोज्ड सर्किट है तो, और ये की क्लोज्ड, सो सर्किट इज ऑल्सो क्लोज्ड। की ओपन तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, देख लो। तो यहां पर लिखो की क्लोज्ड तो सर्किट भी क्लोज्ड। नाउ ये बात हो गई। सो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आपको ओपन एंड क्लोज का बनाना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? A closed path of conductor. Path of conductor through which electric current can pass. Through which electric current can pass. Is called electric circuit. electric circuit.
की समझो, की का मतलब है अभी आपके पास की पहुंच रही, जिसको आपने दबाया था वही की थी। तो की का सिंबल क्या हो सकता है, दो तरीके से सिंबल हो सकते हैं, या तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पर ये, तो ये इसको क्या दिखाएंगे, दैट इज ओपन की ओपन, ये क्या हो गया बोलो, की ओपन, फिर इसे सर्किट में यहाँ लगा दो, और नहीं तो ये दिखाया जाता है कि एक ये नोजल है, ये अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसमें तार जुड़ा है, ये तार जुड़ा है, एक गुटका सा होता है वो उसमें डाल देते हैं, ये समझो लोहे का आयरन, तो जैसे ही वो दबाया अंदर डाल दिया तो उसको कहेंगे डॉट, एक छेद बना है, और जैसे वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, तो उसमें क्या होता है कि जो जिसमें हम वो डालते हैं गुटका वो ऑन हो जाता है, क्योंकि वो कनेक्ट हो गया होता है, और बीच में एक ऐसा होल है, और होल में एक मेटल डाल दिया, तो जो मेटल डालने वाला प्रोसीजर है वो आली की, वो भी हम लाके आपको दिखा देंगे कि कैसे उसमें ऊपर से डाला, तो दो तार इधर इधर है लेकिन डालते ही कनेक्ट हुआ कि नहीं हो गया, तो दैट इज मेटल, इस तरीके से भी हो सकता है, की है बस, आप समझ लीजिए कि दो अलग अलग वायर हो और वो चल जाए, ये देखो मान लीजिए इसी में, और इसी में दो अलग अलग तार है वो डिसकनेक्टेड है, और मान लीजिए डिसकनेक्टेड है, हम क्या करें इसी में ये बल्ब फिट कर दें, तो क्या ये दोनों तार जुड़ ना जाए, ये घुमा दो, अब ये वो क्लोज होगी, वो दबा दिए इधर से भी जुड़ गई इधर से भी, समझ में आ गई बात की नहीं, की क्लोज तो सर्किट क्लोज, व्हेन सर्किट इज क्लोज देन करंट फ्लोज, व्हेन सर्किट इज ओपन तोड़ दो नो करंट फ्लोज, सर्किट ओपन नो करंट, ये सर्किट तो अब यहाँ कोई करंट नहीं, क्योंकि अब ये बीच में टूटा हुआ सर्किट, अब ये बीच में है ही नहीं, कुछ खाली है, अब करंट कैसे फ्लो करे भाई, अगर मैं कह दूं कि दो तार हैं, कोई सर्किट है उसमें बीच में कैंची से चला दो काट दो तो क्या होगा बोलो, वो ओपन हो गया, और जोड़ दो तो क्लोज कर दिया, क्लोज होना और ओपन होना, समझ में आ गई बात, पूरी करंट फ्लो कर रही थी, अब बीच में खाई खोद दो, अब बच्चों से घूमो क्या खाई में गिरेंगे बच्चे, तो सर्किट ओपन हो गया, बात समझ में आ गई, की समझ में आई बात की नहीं, नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें होंगी, सेल कंसिस्ट ऑफ दैट इज सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या वही सेल या बैटरी है, ठीक है, मतलब सेल या बैटरी कोई सोर्स है जो प्लस या माइनस दो जगह पे अलग अलग मेंटेन करता है कि नहीं, पोटेंशियल का डिफरेंस वही क्रिएट करता है, तो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर एमीटर एंड की, इसमें क्या चार चीजें होंगी, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर होगा, फिर एमीटर एंड इतनी चीजों, समझ में आया, एक बंद परिपथ का चालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है, अब इसमें जो जो चीजें हो वो ये हैं, अब आगे की बात करें, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, यहां तक समझ में आ गई बात, इलेक्ट्रिक सर्किट तो हमें समझ में आ गई, व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी एकलव्य, बोलो, बहुत शाही नेचर के हो आज, कुछ बता नहीं रहे हो, अब बोलो, देखो कितनी सिंपल चीज थी, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी देखो, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पर भी हो जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है ना, लाइटनिंग कंडक्टर भी होता है तो वो भी हो सकता है, ये देखो, सो फ्लो ऑफ चार्ज कहीं से भी हो जाए, इस कॉल्ड कंस्टिट्यूट्स, फ्लो ऑफ चार्ज
कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात हो गई। हाँ, नाउ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ऑन ऑफ स्विच भी किसी के पास है? हाँ ठीक है। सो कंस्टिट्यूट का मतलब है उस कहीं पर हो जाए तो वही इलेक्ट्रिसिटी, वही विद्युत धारा। कंस्टिट्यूट यानी उसके द्वारा, एनीथिंग उसके द्वारा, उसका ये कह सकते हैं कि वो नियामक, उसके द्वारा वो निर्धारित होगी। इट कंस्टिट्यूट मतलब दैट इज कॉल्ड, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट्स वर्ड, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। कंस्टिट्यूट का मतलब इज कॉल्ड। ठीक है, अब हम देखें इसकी और प्रिसाइज डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक अभी देखो आपने सही बताया है, ये मान लीजिए कि ये देखो, मान लो ये प्लस है एक लव्य और ये माइनस है, तो मैं यहाँ सब प्लस है तो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा कि नहीं? वास्तव में जो प्लस है वो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, पिछली बार बताया था कि नहीं, और निगेटिव किसका होता है? जिंक का। तो ये निगेटिव निगेटिव हो गया, तो क्या इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है अलग अलग चार्जेस है, अब चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। क्या इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और वो फ्रीली मूव करते हैं, तो बोलो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे। तो आप यहाँ पर अपनी आंख लगा लें और इसमें इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में जितना चार्ज पास हो रहा, द अमाउंट ऑफ चार्ज, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बताओ? क्या वो हायर पोटेंशियल की ओर जाएंगे? अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लिखो इस बात को, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन पर सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको किससे डिनोट करेंगे? मान लीजिए कि यहां से कुछ चार्ज पास कर गया, 4 कूलम चार्ज आपने देखा और 2 सेकंड घड़ी देखी और आपने देखा कि यहां से 4 कूलम का चार्ज पास कर गया, 1 कूलम में ही न जाने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 है, और फिर कितने जीरो लगाओ 18 उतने होते हैं, तो 4 कूलम में तो ना जाने कितने इलेक्ट्रॉन पास कर गए होंगे। 4 कूलम कोई छोटी चीज तो है नहीं, लेकिन ऐसा हुआ वो 2 सेकंड में चला। तो क्या आप मुझे बताएंगे 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट पास हो गई होगी? 2 एम्पीयर। सो आई क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन अपॉन दैट इज टाइम। देखो, सो आई इज 2/3 अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन और अपॉन टाइम, कितने टाइम में फ्लो की, दैट इज बात नहीं करो, क्यू अपॉन टी। तो 4 कूलम चार्ज फ्लो हुआ और 2 सेकंड में हुआ, तो क्या ये 2 कूलम पर सेकंड है, या फिर इसे 2 एम्पियर कह दो, या फिर इसे 2 एम्पियर। बात समझ आ गई? या क्या कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन आपने क्या बताई? Rate of flow of charge rate of flow of
चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इन वन सेकंड वन सेकंड मत बोलो रेट लिख दिया है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आज गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इतनी बात समझ आ गई चलिए तो कुछ चीजें और सीखें ठीक इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई जैसे हमारे पास एक ये कंडक्टर है पाइप कितना बड़ा हाँ ये कंडक्टर अब यहाँ तीन तरीके की थिकनेस है कंडक्टर की देखो एक है जिस जब बहुत ज्यादा मोटा कॉपर वायर हो आराम से पास कर जाएंगे और पतली गली हो तुम सड़क पे ही निकलो और सड़क पे निकलो तो तुम देखो जितने बाइक पर सेकंड में जा रहे हो वो बाइक करंट है और जितनी कार जा रही हो वो कार करंट है उसी तरीके से जितना चार्ज जा रहा हो तो चार्ज करंट है जब ज्यादा चौड़ी सड़क होगी इंडिया गेट की तरह कर्तव्य पथ खूब सारे जवान निकलेंगे और चांदनी चौक होगा तो थोड़े थोड़े निकलेंगे ठीक है अब यहाँ पर देखो ये ए है ये बी है और ये सी है अब आप देख लीजिए ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस यहां से करंट जाती है कि नहीं इलेक्ट्रिक करंट तो क्या आप अर्पिता हमें बताएंगी कि ए से ज्यादा करंट जाएगी बी से या सी से देखने वाली बात है ये देखो ये बता दिया सेम करंट जाएगी क्योंकि अगर उनको गोल गोल घूमना है और यहाँ से दो ही बाइकर्स जा सकते हैं तो दो ही बाइकर पूरे में जा पाएंगे क्योंकि ये नहीं कि नए यहाँ जनरेट हो जाएंगे चलो और चार्ज पैदा करें अरे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या नए चार्ज पैदा हो जाएंगे या यहाँ चार्ज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और एक दिन ये कॉपर वायर मोटा होकर यहाँ गिर जाएगा कॉपर इकट्ठा करो ऐसा होगा क्या थ्रू अ सर्किट चाहे वो मोटा हो पतला हो या कैसा भी हो ये है कि ये डिटरमाइन करेगा कि कितना चार्ज फ्लो करे जो उसका सबसे कंस्ट्रिक्टेड पाथ है जो रजिस्टर है वही बताएगा कि कितना जा सकता है तो थ्रू एनी गिवन सर्किट सेम अमाउंट ऑफ करंट पासेस एट ऑल पॉइंट्स यहां भी आई और यहां भी आई तो करंट नहीं बदलेगी एक सर्किट में क्योंकि चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय तो थिकनेस से कुछ भी नहीं होगा ये है कि ये इससे जितनी जा सकती है उतने ही पूरे में जाएगी अगर इंडिया गेट के आगे एक छोटी गली बना ली जाए तो उसमें जितने बाइकर जा सकते हैं वही गोल गोल घूमें सो दैट इज सेम अमाउंट ऑफ करंट पास सेम अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू सृष्टि ये सेंटेंस पूरा करो थ्रू ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ ठीक है थ्रू ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्लोज सर्किट ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ क्लोज सर्किट हाँ उतना ही समय जाए इसमें जितने जा सकते हैं उतने ही समय जाए फिर उसके बाद आप ज्यादा मोटा नहीं कर दो उसका कोई फायदा नहीं है तो अगर आपको बढ़ानी है तो पतले वाले का बदलना पड़ेगा नाउ अब जरा देखिए नेहा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या और देखता लोग दूसरे भी बोल रहे ठीक है ठीक है तो फिर सृष्टि चार्ज की दो यूनिट बताओ चार्ज की एक तो है कूलम और एक है दूसरे हाथ उठाए आप जल्दी बता दीजिए वो देखो बता दिए हाँ बोलो करेक्ट जैसा कि इन्होंने बताया चार्ज आप पढ़ चुके हैं थोड़ा सा दिमाग लगा करो देखो आई क्या था बताओ क्यू बाई तो बोलो क्यू क्या है आई टी आई की क्या यूनिट बताई एम्पियर और टी है सेकंड
इतना दिमाग लगाती तुम भी उसकी तरह बता देती एम्पियर से कम। जरा समय लगाना तो दो कौन कौन सी यूनिट हुई चार्ज की? सो यूनिट ऑफ चार्ज एम्पियर सेकंड, बात की नहीं। और अब बताओ इलेक्ट्रिक करंट की दो यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की बोलो बेटा, सही। नाउ इधर देखो लिखी है, देख के बता दो कूलम पर सेकंड और ऐसे हंसने से नहीं होगा बेटा, क्लास डिस्टर्ब होगा, बात कर ली बस आगे बता। सो दैट इज यूनिट ऑफ करंट, इट इज इक्वल टू एम्पियर या फिर कूलम्ब पर सेकेंड। वन एम्पियर क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात हो गई, इलेक्ट्रिक करंट हो गई एंड नाउ वन एम्पियर। वन एम्पियर छोटे से लिखा जाएगा अगर पूरा लिखोगे। वन एम्पियर को फाई का डिफाइन करिए। हाँ बताइए। मैं वन कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन वन सेकंड एंड इट इज कॉल्ड वन एम्पियर। Then the current passing through that cross section area is, ऐसे नहीं कि अगर मान लो अगर एक मास है 1 kg का और मान लीजिए F is equals to क्या होगा M और A होता है कि नहीं, तो अगर 1 kg का मास है और वो उसकी हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ती चली जा रही है, 1 मीटर हर सेकंड बढ़ जा रही है, कह दो अगर 1 kg का मास If unit mass has unit acceleration, it is called 1 newton. ये सब 1 newton है। It is called कुछ नहीं होता। ये जैसे बोले ना, अगर ऐसा हो, ये सब called 1 ampere. ऐसा नहीं है। Then the current passing through that cross section area is 1 ampere. If unit mass is accelerating with unit acceleration, then the force applied, it is called कुछ नहीं होता। वो तो कट जाएगा छठे से ही, sixth से ही काट दिया। Then the force applied to it. What is 1 ampere? देख लो, मान लो 1 coulomb चार्ज इससे पास हो जाए और 1 coulomb चार्ज पास हो जाए, वास्तव में जो भी होगा आप यहाँ देख रहे हैं, तो 1 coulomb चार्ज पास हो रहा है, चार्ज तो जो पास होगा वो इलेक्ट्रॉन के ही रूप में होगा, यानी निगेटिव चार्ज भी पास होगा कि नहीं, प्रोटॉन तो नहीं मूव कर सकते। और ऐसा अगर 1 second में हो जाए तो क्या होगा बोलो? इफ 1 coulomb चार्ज पासेस थ्रू a given cross sectional area, cross sectional area in 1 second, ek level sentence pura karo, is this kuch nahi hai, थोड़ा सा कहे कि सैंड पेपर से अगर इसको घिसोगे तो दिमाग पतला हो जाता है, ठीक है? सो पासिंग थ्रू ऐसे मोटा रहेगा, सैंड पेपर से घिस नहीं सकता। सो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस कितना पीछे जाते हैं, सेक्शनल एरिया इज 1 ampere। सिर्फ आप हमें दो चीज बताइए, चार्ज की 2 यूनिट और करंट की 2 यूनिट। चार्ज कूलम एंड एम्पियर, और करंट की एम्पियर और कूलम।
सो 1 एम्पियर की बात हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट आपको पता चल चुका है। नाउ एग्जाम्पल 11.1 दैट इज करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर। करंट कितनी दी है? देखो किसी सर्किट में इतनी करंट फ्लो कर रही है, तो ये सर्किट है और एक सेल है और यहाँ पर क्या तुम्हें जो एमीटर दिया था उसमें भी 0.5 ही एम्पीयर फ्लो कर रही थी? तो मान लो एमीटर है, लगा दिया तो प्लस और माइनस, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन दिखाना, सो दैट इज 0.5 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही। और बताओ, और 10 मिनट तक फ्लो करती रहती है, टी कितना है? 10 मिनट। तो 10 मिनट है तो 10 into 1 मिनट, और 1 मिनट को क्या कह सकते हो? 60 seconds, तो that is 600। अब ये बताइए Q is equals to एकलव्य क्या होता है? बोलो ID, क्योंकि वहां लिख दिया है। Q क्या लिखा है? ID, ठीक है। So Q is equals to ID। तो चार्ज कितना फ्लो हो गया? 0.5 एम्पियर और 600 सेकंड। और बात समझ में आई? अब एम्पियर को अभिनव क्या लिखा जा सकता है? ये ठीक बताया, जैसा कि अभिनव ने हम सबको बताया कि कूलम्ब पर सेकंड लिखा जा सकता है, यही तो बोला। और ये 600 सेकंड है, तो क्या चीज कट गई? सेकंड से सेकंड कट गया, और मल्टीप्लाई कर दो तो 300 कूलम्ब आ गया, ठीक है। नाउ इधर का देख लिया, देखिए इसे हटा दें, डिफाइन कंप्लीट द सेंटेंस। इलेक्ट्रॉन फ्लोस फ्रॉम पोटेंशियल टू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम सर टेम्परेचर बढ़ा लीजिए सर, ऊपर नहीं गया सर, ऊपर सर नीचे कर दो यार डन है।
आपने सही लिखा था 11.1 हमारे में 12 है. ओके इलेक्ट्रिक करंट हमेशा बंद.